वलकद यस्सरन कुरान लिज़िक्र फाल मिन मुद्दकर। मैं अल्लाह ने इस कुरान को आसान कर दिया है, कोई इसको समझने वाला, काफिर भी समझेगा वो समझा देगा, ये ऐसी किताब है क्योंकि रब्बुल आलमीन की तरफ से है, रब्बुल मुसलमीन की तरफ से नहीं है, वो सबका रब है, जो उसकी इज्जत करेगा वो उसको इज्जत देगा। आज देख लो मैं आप कितनी अल्लाह को इज्जत दे रहे हैं और कितनी हमें इज्जत मिल रही है दुनिया में। इस वक्त दुनिया में जलील तरीन कौम मुसलमान है, कोई इज्जत नहीं है इसकी, 54-56 मुल्क है, 10 बंदे तुम्हें झड़कते हैं दूसरे अपने मुल्क में बैठ के, तुम्हारे पखाने निकल जाते हैं, तुम्हारे नबी की तोहीन होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है जी, क्या कर लेते हो, अपनी मुल्क को जाड़ना शुरू कर देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, कौन सी इंसानियत है, उनको क्या जाता है, उनका क्या जाता है, कोई ऐसा तरीका अडॉप्ट करो कि जिससे तुम बैठे हो। एक है ये सल्तनत उस्मानिया में एक वाक्य है कि फ्रांस के एक किसी बंदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन की, तो उसने ऑर्डर भेजा, वो तुरंत सा बादशाह था, उसने ऑर्डर भेजा कि हम तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे अगर तुमने उसकी, यानी कि जो भी था वो डर गए, बस जो भी मुझे नाम नहीं आता, ये है तुम्हारा खौफ हो उनके अंदर, अब तो तमाम तुम्हें डालते हैं ऐसे आगे टन टुकड़े डालते हो, तुम अपना ईमान बेचने के लिए खत्म हो जाते हो, नहीं जी नहीं आपसे ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तुम नहीं इज्जत करते हो वो क्या इज्जत करेंगे, वो तो सालों सदियों में एक आध खाका बना, तुम रोजाना नबी की तोहीन करते हो, कुरान की तोहीन करते हो, मुर्दों के ऊपर पाओ के ऊपर तुम कुरान डाल देते हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, कब्रों पर कुरान डाल देते हो, ऊपर चिड़िया तोते कुत्ते मुतरते हैं तुम्हें कोई हया नहीं है, ये कुरान की इज्जत है, कुरान इसलिए आया, जाओ कब्रस्तान में जाकर देखो हाल कुरान का, कुरान लिखा हुआ है ऊपर बिठे की हुई है जानवरों ने, मैंने अपनी आंखों से देखा चादरों के ऊपर चारों कुल की चादर पड़ी पड़ी हुई है, उसके ऊपर बकरी की मेंगनी पेशाब पड़ा हुआ है उसके ऊपर, एक बदबख्त का मुझे तस्वीर भेजा किसी ने, खबीस का बच्चा चारपाई पे लेटा हुआ है, उसने चारों कुल की चादर धोती की तरह बांधी हुई है, इतनी तोहीन कुरान की, कोई इस्तेकाक नहीं उसका, कोई तुम्हारी असेंबली में तुम्हारे ये एंकर बैठे हुए हैं बड़े बड़े फिलासफर बन के, किसी ने कभी इस पर को किया, फिर अल्लाह की मार करती है, फिर चंद दिन की वो देता है उठाता है, पटकार के नीचे मारता है, क्योंकि ये उसका है मामला, जो ये चाहता है कि कोई मेरी इज्जत करे उसे चाहिए वो उसकी इज्जत करे, अल्लाह की इज्जत ये है कि उसकी बात मानो, नबी की इज्जत ये है कि नबी की बात मानो, नबी से इश्क ना करो, नबी की इतबा करो, नबी के इश्क में मरना से बेहतर है कि इतबा में जियो, फिर रहमत आए हम पर, सारी नाफरमानियां करके हम नबी के आशिक हैं, नाउज़ बिल्ला, ना नमाज का पता, ना रोजे का, ना अमानत का, ना खयानत का, ना गीबत का, ना कुछ, जो चाहता हूँ बस मुझे मिल जाए, मैं फलां ये कर गया मैं क्यों ना करूं, फिर चंद दिनों में सारी जिंदगी की कमाई एक झटके से निकल जाती है, अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा, पहले वो कहते हैं ओ यार सारी दुनिया कर गई बड़ा गफूर रहीम है, फिर एक दिन आके कहता यार सल्फी और कख नहीं रहा यार, एक झटके से 16 करोड़ रुपया गया, यानी कि फ्रॉड नाल कमाया है 8 करोड़, ते 8 अपना प्यो था अपना होएगा सारे गया, ते इंज ही होएगा, अल्लाह अल्लाह, मैं अपनी जब इसलाह करूंगा ना फिर मेरे मामला सीधे होंगे, वीजों पीरों से कुछ नहीं बनता अल्लाह की कसम, ये ऐसे ही तुम्हें छनकना भी कुछ थोड़ा सा बड़गलाता है, ये तो तुम्हारा बेड़ा गर्क करते हैं, तुम्हें अल्लाह से और दूर कर देते हैं, चंद दिन तुम्हें तवीज दे दिया या किसी जगह पर चले गए, शैतान ने थोड़ा सा आपको रिलीफ दे दिया ताकि इसका अल्लाह पर से यकीन तो खत्म ही हो जाए, इसके वो बाबे कुछ कीता है जरा मेरा हूं बेड़ा तर गया है, वो चंद दिन करेगा आपकी मदद, शैतान करेगा ताकि तुझे अल्लाह से दूर कर दे, तेरा यकीन इस धागे पे आ जाए,
इस नग पे आ जाए, इस अंगूठी पे, इस गले में कैठा पा लिया, इस पे आ जाए ताकि तेरा और अल्लाह खाना खराब करे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज लटकाने वाले को बद्दुआ दिया। आपने फरमाया वो अल्लाह उसको उसके सुपुर्द कर दे, क्योंकि वो हटा दे ना, घर में कुरान है।